अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अंताल्या में हमारे पहले 2 दिन जो थे वो हमारी जो होटल थी क्रेम्पटन पैलेस, वो एक बहुत बड़ा अच्छा रिसॉर्ट था और हमारे सारे मील्स वगैरह भी उसमें इंक्लूसिव थे। तो हम लोगों ने 2 दिन लगभग हम लोग उस क्रेम्पटन पैलेस रिसॉर्ट से बाहर ही नहीं निकले। अच्छा रिसॉर्ट है, अगर आप ज़्यादा घूमना नहीं चाहते और एक ब्रेक के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो क्रिम्पटन पैलेस एक अच्छा रिसॉर्ट है, आप वो देख सकते हैं। बेसिकली क्रिम्पटन पैलेस जिस जगह पे था वो जगह को लारा बोलते हैं। वो लारा रिसॉर्ट टाउन है एक छोटा सा, उसमें आपको बैक टू बैक लाइन से सारे रिसॉर्ट्स ही मिलेंगे जिसमें वाटर पार्क्स वगैरह, और वहाँ पे हार्डली आपको मतलब टर्किश लोग भी मतलब उतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे या लोकल्स नहीं दिखेंगे। वहाँ पे ज़्यादातर रशियंस, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे वहाँ पे। अभी मैंने 2 दिन लारा में बिताने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे सिटी सेंटर में, एक यहाँ का इनका ओल्ड सिटी सेंटर है जिसको थे, वहाँ पे हमने होटल बुक की है। ये कलीची का, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये कलीची का ओल्ड टाउन मरीना है, बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं नीचे जाऊँगा तो आपको इसका व्यू बताऊँगा, ठीक है। और एक यहाँ पे ये डिसेंट सा एक मीडियोकर नॉर्मल रूम है, खाली इसकी एक बात अच्छी है, थोड़ा रूम मेस्टअप है हमारा एज यूजुअल, ठीक है। ये रूम की एक अच्छी बात ये है खाली कि ये मरीना सामने ही है ये होटल की, ये नीचे मरीना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे ये होटल का, ये रूम का, हमको यहाँ पे, हम यहाँ आए, हमको अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलिए मरीना पे रुकते हैं। यहाँ पे नीचे सा अब हम लोग बोट राइड के लिए जाएंगे। इसका तकरीबन 600 टैले इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पड़ा तीन लोगों का। अब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, ये देखिए ये नीचे मरीना का रास्ता है, और मैं आपको ये कलीची जो यहाँ का इस्तानबुल का ओल्ड टाउन से इस्तानबुल का वेरी सॉरी अंताल्या का ओल्ड टाउन सेंटर है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारी होटल है, ये हमारा रूम है ऊपर का, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एंशियंट स्टाइल से बनी हुई, ये ओल्ड टाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पुडिंग मरीना होटल में हम लोग ने रूम लिया है, ये ऊपर का हमारा रूम है, ये पुडिंग का कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है, और ये यही मस्जिद है पीछे, आप देख सकते हैं ये छोटी सी एक मस्जिद है आही यूसुफ जामी। तो चलिए अब नीचे, ये हमारी होटल से ये नज़ारा है, ये सामने हमारा कमरा है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग तकरीबन वहाँ क्रेम्पटन पैलेस होटल से निकल के दोपहर में वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए 10:30-11 बजे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग इधर कलीची में वो जो ये मरीना है वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके हमने 12:30-1 बजे होटल ली, और अब हम लोग मरीना पे थोड़ा रूम लेने के बाद में, रेस्ट करने के बाद में, अब हम लोग जब आए तब बारिश ज़्यादा थी, इसकी वजह से हम लोग ने सीधा रूम ले करके चेक इन कर लिया। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को मेरे पीछे का नज़ारा दिखाऊंगा जो जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। सो अभी आप लोग सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। बस मैं होटल से चल के जो मरीना दिख रही थी ये देखिए दोस्तों, ये है कलीची जो अंतालिया का ओल्ड मरीना है, ओल्ड टाउन है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग ने वेट किया कि थोड़ा सन निकले, बारिश रुक जाए, फिर हम लोग आते। तो हम लोग ने 2 घंटा 1-1.5 घंटा आराम कर लिया। अब हम लोग ये नीचे बोट्स है, ये आपको यहाँ से राइड के लिए लेके जाती है, अब हम लोग इस राइड के लिए जाएंगे और आपको आगे का बताता हूँ मैं, कलीची का राइड का भी सफ़र आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये हम लोग जब आए मैंने अपनी गाड़ी उधर ऊपर पार्क कर दिया था, ये ऊपर वो रोड है, ये रोड से कलीची नीचे आने के लिए ये लिफ्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ की बलदिया जो है BMC, ये पीछे जो आपको दिखती है ये एक लिफ्ट है, आप वहाँ से सीधा नीचे मरीना के लिए आ सकते हैं।
मैं मरीना में नीचे उतरा और ये इस तरफ का मंज़र, इस तरफ मरीना है। तो हम लोग ने काफ़ी हेवी ब्रेकफास्ट किया था क्रेम्पटन पैलेस में, तो हमने लंच नहीं किया। बोट राइड पे जाने से पहले ये अंकल हमको कॉर्न खिला रहे हैं, तो हम लोग ये कॉर्न चाट खाएंगे। ये इन्होंने निकाला बटर, अब ये कॉर्न चाट खा के फिर हम लोग मरीना बोट पे जाएंगे और शाम को लंच और डिनर एक ही साथ में कर लेंगे। ये अंतालिया का वेदर जो है, आपको बताऊँ तो अंतालिया का वेदर इस्तानबुल के कंपैरिजन में ज़्यादा वार्म है। फॉर एग्जांपल इस्तानबुल में, जब हम लोग इस्तानबुल से आए तो आपको इस्तानबुल में थोड़ा ठंडा इससे ज़्यादा था। इस्तानबुल में आप ये टाइम पे 10-12 डिग्री के आसपास था, यहाँ पे 17-18 डिग्री 19 डिग्री है, तो बहुत प्लेजेंट हो जाता है। दोस्तों ये यहाँ का पानी देखिए कितना साफ़ है, आपको नीचे के रॉक्स और सारी चीज़ें दिखती होगी। आबे सेनिन इसिम ने थानर, ये देखिए ये तनर भाई है और इन्होंने मुझे ये आफियत ऑल सुन तनर पे, ये हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने ये टिकट लिए बोट की और ये मुझे बोल रहे हैं जल्दी जा, 200 लीरा पर पर्सन, 45 मिनट्स की राइड है। और अब हम लोग चल रहे हैं पोसिडॉन क्रूज का नाम बताया इन्होंने उसकी तरफ, और अब देखते हैं। जनरली इसकी 150 टेले फीस है, उन्होंने बोले तुझे टर्किश आती है तेरे से 100 टेले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे पोसिडॉन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों ये पोसिडॉन क्रूज है जिसमें बैठ के हम लोग राइड के लिए जाएंगे। कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ, ये है पोसिडॉन, इस तरफ तरीके की सारी क्रूज है। 100 टेले पर पर्सन लिया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी अच्छा है, सन निकला हुआ है। दोस्तों अब मैं क्रूज के ऊपर आ चुका हूँ और ये देखिए ये ऐसी हमारी क्रूज है। दोस्तों फाइनली 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद में हमारी फेरी अभी अभी निकली है और हम लोग इस क्रूज पे, अगर आप अंतालिया आ रहे हैं कलेजी, ये जो गोल्ड मरीना है, यहाँ आए तो ये क्रूज
करना मत भूलिए, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 100 टहले पर पर्सन तकरीबन इंडियन रुपीस में आज की तारीख में 500 रुपए के आसपास हो रहे हैं, तो ये वर्थ है। बिल्कुल ही बेहतरीन राइड है ये। दोस्तों मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ले रहा हूँ वो बहुत ही मेहनत से ले रहा हूँ। उसका रीज़न कि आप ये देखिए, ये जो बोट है वेव्स अच्छी खासी है, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही है। और ये देखिए पूरी, ये अंकल को देखिए आप, मैं जो DJI OM4 यूज़ करता हूँ वो भी मैं गाड़ी में भूल गया था। तो ये वीडियो लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये राइड शेयर कर सकूँ जितना हो सके उतना।